नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राम मंदिर महिला मंडल और राधे राधे भक्त मंडल द्वारा रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर पर आयोजित भागवत कथा का गुरुवार को समापन हुआ। इस अवसर पर पंडित डॉक्टर संतोष भार्गव के मुखारबिंद से सुदामा चरित्र सुनाया गया। 9 से 15 फरवरी तक रघुवंशी कॉलोनी राम मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। बीती शाम सुदामा चरित्र के साथ साथ दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर भजनों पर नृत्य किया। इतने सालों से आनंद आया है, बहुत सालों से भागवत मैया को सब बढ़िया रहे, हमारी राधा मैया को ऐसी शक्ति दे जो हमेशा कथा करवाती रहे। हम सबसे इस मंडल में इस राम मंदिर में हमारी एकत्रित करती रहे। राम मंडल की सब गोपी स्वरूपा है, हमारा साथ देती है और वो ना रहे तो हमारा कार्य भी कुछ ना हो। उनके कारण हमारा सरकार की सिद्धि होती है। मेरा जीवन क्या करना है राम मंदिर में कल 6 बजे मैं खाना का श्रृंगार कर रही थी तो मुरली एकदम राधा के हाथ में पहुंची। मैं घबरा गई कि ये मुरली कहाँ से आई। साक्षात रघुवंशी कॉलोनी राम मंदिर में कल चमत्कार हुआ था 6 बजे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।